सूरे एहजाब का आयत नंबर 59 अंग्रेजी में सुना देता हूँ, सूरे एहजाब उसमें अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। ओ प्रॉफिट टेल योर वाइफ्स एंड योर डॉटर्स एंड द वुमन ऑफ द बिलीवर्स टू ड्रॉ देयर क्लोक्स का मतलब व्हील्स एंड ऑल ओवर देयर बॉडीज आई स्क्रीन देमसेल्व्स कंप्लीटली एक्सेप्ट द आईज और वन आई टू सी द वे। ठीक है, दैट विल बी बेटर देन दैट दे शुड बी नोन एज फ्री रेस्पेक्टेबल सो एज नॉट टू बी अनॉयड एंड अल्लाह इज एवर फॉरगिविंग। ठीक है, अब आप इसमें एक और आयत है, आप मैं आपको बोल रहा हूँ। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। कल 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश के अंदर एक टीवी पर ओवैसी साहब ने अंग्रेजी जबान में कुरान पाक की वो आयत पढ़कर सुनाई जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है। चलिए पहले वो आपको मैं आयत पढ़कर सुना देता हूँ और उसका उर्दू तर्जमा भी आपके सामने कर देता हूँ। आप लोगों को भी आयत याद रखनी चाहिए और इसका तर्जमा, ताकि आप कुरान के मुताबिक दूसरों को बता सको कि यह हमें शरीयत का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। सूरह अहज़ाब के अंदर 59 नंबर की आयत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُعْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, जिसका उर्दू तर्जमा यह है, ए नबी तुम अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपनी चादरें अपने मुंह के ऊपर झुका लिया करें, इस तरीके में इस बात की ज्यादा तवक्को है कि वो पहचान ली जाएंगी तो उनको सताया नहीं जाएगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ये इस आयत का तर्जमा है जिसमें अल्लाह ताला मुसलमान औरतों को अपनी चादर अपने मुंह पर झुका लेने के लिए कह रहे हैं, यानी मुंह को ढांक लेने का हुक्म फरमा रहे हैं। अब सुनिए ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को कुरान के मुताबिक पर्दे का हुक्म पता चल सके। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मेरे धर्म में अगर ये इजाजत है कि मैं दिगंबर रहूं, तो मतलब बगैर कपड़ों के भी रह सकता हूँ जी, बिल्कुल, और मेरी पढ़ने की भी इच्छा है सर, हाँ, स्कूल जाकर, हाँ, अब फिर मैं क्या करूंगा, स्कूल क्या करेगा, इसमें व्यवस्था क्या होगी? अगर आपके रिलीजन का वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट, इसी बेसिक टेनेट की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे बारे आप जंप क्यों कर जाते हैं? बोलिए बोलिए, मुकम्मल कर लीजिए, मुकम्मल कीजिए प्लीज। मैं आपको कह रहा हूँ कुरान की आयत सूरे नूर पढ़ लीजिए, अभी हम प्रोग्राम के बाद बिठा के दिखा देता हूँ आपको, आप देख लीजिए भाई, कुरान की आयत तो एसेंशियल फीचर होगा ना, कुरान की आयत एसेंशियल फीचर होगा। सुमैरा, उसमें है क्या ये व्यवस्था, आप तो पढ़ती हैं कुरान? नहीं, हिजाब वर्ड का तो इस्तेमाल नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको सुना देता हूँ अगर आप बोले तो। लेकिन अपने आपको ढकने की बात है, लेकिन आप जो केरला हाईकोर्ट के ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं उसमें मुस्लिम वुमेन के लिए सूरे एहज़ाब का आयत नंबर 59 अंग्रेजी में सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सूरे एहज़ाब उसमें अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। ओ प्रॉफिट टेल योर वाइफ्स एंड योर डॉटर्स एंड द वुमन ऑफ द बिलीवर्स टू ड्रॉ देयर क्लोक्स का मतलब व्हील्स एंड ऑल ओवर देयर बॉडीज आई स्क्रीन देमसेल्व्स कंप्लीटली एक्सेप्ट द आईज और वन आई टू सी द वे। ठीक है, दैट विल बी बेटर देन दैट दे शुड बी नोन एज फ्री रेस्पेक्टेबल सो एज नॉट टू बी अनॉयड एंड अल्लाह इज एवर फॉरगिविंग। ठीक है, अब आप इसमें एक और आयत है, आप मैं आपको बोल रहा हूँ सर, मेरी वही तो बात। और एक चीज और, सर ऐसे धर्म हैं जहाँ दिगंबर रहना भी उनके बेसिक टेनेट्स में आता है। अरे भाई, अगर मैं वो रिलीजन का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ ना, मुझे मालूम नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर रिलीजन कहता है तो सर पहुंच जाए वो व्यक्ति अंदर। और एक स्कूल में ऐसा सुनिए, उससे बढ़कर फंडामेंटल राइट्स, उससे बढ़कर, वो टेस्ट तो बाद में आएगा। तो आपने दो चीज कही है। नहीं नहीं, मैं सुनो, मैं सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स का एक ग्रेव वायलेशन है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14। अब उसमें आप इक्वालिटी में बोलेंगे तो ये वो टेस्ट को भी सेटिस्फाई नहीं करता। तीसरा, अगर आप बोलेंगे भाई 25(1) का प्रोटेक्शन है तो आपका क्वेश्चन जब अराइज होता, आपने जो कहा एसेंशियल फीचर ऑफ रिलीजन, मगर फंडामेंटल राइट्स तो खुले हैं ना। और हार्म थ्योरी में अगर मेरी बच्ची हिजाब निकाब पहन रही है तो भाई किसको खतरा है उससे? मतलब ओवैसी साहब, जो कोर्ट में बैठे हुए हैं या जिन्होंने अंतरिम ऑर्डर दिया है वो सब लोग नहीं है, इतना ही अगर दिन के उजाले की तरह साफ है, फंडामेंटल राइट में कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो किस बात की पेचीदगियों में मामला पड़ा हुआ है? सुनिए, जस्टिस जे एस वर्मा का नाम सुना होगा आपने, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, लेट जस्टिस वर्मा ने, जे एस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल,
डिसएग्री करना मेरा राइट है सर, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, सूट नहीं करता हो, बाबरी मस्जिद हो चाहे ये हिजाब का मामला हो, उसमें आप डिसएग्री कर जाएंगे? डिसएग्री करेंगे, बिल्कुल करेंगे। डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना, किम जोंग की सरकार तो नहीं है,